व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आध्यात्मिक उन्नति भी एक अहम पहलू है और इसी के मद्देनजर न्यूज डिवाइन हर महीने आपके लिए लेकर आता है निरंकारी जगत में हो रही तमाम आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का ब्यौरा। मई महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ समता। नमस्कार, धन निरंकार। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेल्वेशन टूर्स ऑफ हिज होलीनेस, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, किसी ने कहा है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल भी नहीं सकते तो रेंगो, परंतु आगे बढ़ते चलो। वास्तव में दोस्तों, किसी एक उद्देश्य, किसी एक लक्ष्य के तहत आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी है। और अगर ये जीवन यात्रा औरों के लिए कल्याणकारी हो तो यह यात्रा कल्याण यात्रा बन जाती है। और यही कल्याण यात्राएं बिना रुके, बिना थके लगातार करते जा रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, देश दुनिया के कोने कोने में जाकर। आइए देखते हैं मई के महीने में हुए कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। कल्याण यात्राओं की लड़ी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और परम पूज्य माता जी 7 मई को राजस्थान की धरती अलवर पहुंचे। यहां पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं हुजूर बाबा जी भी भक्तों को अपने आशीर्वचनों से भरपूर करते रहे। तत्पश्चात ये रूहानी जोड़ी उत्तराखंड की ओर रवाना हुई। रास्ते में करनाल जिले के इंद्री में 10 मई को सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए। सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए हुजूर बाबा जी ने फरमाया, पंडित ज्ञानी किसको कहते हैं? जो सही बात समझ जाता है उसको कहते हैं ये ज्ञानी है, ये पंडित है। लेकिन अगर सही वो पाठ पढ़ा ही नहीं है तो वो कहाँ का पंडित हुआ। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सत्संग कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात ये काफिला पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी की ओर चल पड़ा और इसी दिन देर रात मसूरी सत्संग भवन पर पहुंचा। यहां पर बाबा जी और पूज्य माता जी का भावभीना स्वागत किया गया। मसूरी में देश के विभिन्न प्रांतों से सदगुरु के पावन दर्शन हेतु श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। मसूरी सत्संग भवन पर अक्सर श्रद्धालुओं को सत्संग कार्यक्रम की रूहानी खुराक प्राप्त होती रही। मधुर मधुर गीतों, विचारों और कविताओं का जहां समा बंधा रहा, वहीं हुजूर बाबा जी भी भक्तों को अपने आशीर्वचनों से भरपूर करते रहे। एक अध्यात्मिकता जिसको हम कहते हैं, वो हर जीवन में चल के एक ऐसी एक स्पिरिचुअलिटी हर किसी के जीवन में चल के, यानी कि सभी प्यार के साथ एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हो, सहनशीलता ऐसी बेमिसाल हो। गाहे बगाहे हुजूर के पावन चरणों पर नमस्कार की कृपा प्राप्त होते ही श्रद्धालु भक्त आनंद के सागर में सराबोर हो उठते। यहाँ पर बाबा जी ने जहाँ निरंकार प्रभु की अनुभूति में जीवन जीकर सुखी रहने की हिदायत दी, वहीं पर प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी दी। सद्गुरु बाबा जी और परम पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में जहाँ भक्त जन धन्य धन्य हुए, वहीं पर भक्तों को ममतामयी राज माता जी की कमी भी शिद्दत से महसूस हुई। श्रद्धालु भक्तों को और स्थानीय निवासियों को जब हमारे एक संवाददाता से अपने हृदय के उद्गार साझा करने का अवसर मिला तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, राजमाता जी का आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहा, आज हमारे बीच में नहीं है। आज हमारे बीच से भले ही शरीर को छोड़ गई हो, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी हमारे ऊपर है। माता जी का जो
फेस था उससे इतना हमें प्रभाव मिलता था, इतनी शक्ति प्राप्त होती थी, इतना आशीर्वाद प्राप्त होता था। हमेशा प्रसन्न मुद्रा में मिलती थी कि हम गदगद हो जाते थे और हमारे वास्तव में कई कष्टों का हरण होता था। और आइए अब जानकारी लेते हैं संत निरंकारी मिशन की विदेश में स्थापित शाखाओं द्वारा मई के महीने में की गई सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों की रिपोर्ट। On Sunday, 10th of May 2015, a North Regional English Medium Samagam was held at the Yorkshire Centre of Oneness with Unity in the Community as the main theme. Saints of all ages travelled from Leicester, West Midlands, Scotland and other towns from the UK, creating a vibrant atmosphere full of spiritual talks and inspirational media. An exhibition portraying the need of spirituality and unity in the modern world was also one of the main attractions of the event. The theme of the Samagam, Unity in the Community, was beautifully expressed through a wide range of pictures and photographs available for saints to view at their leisure. The Sant Nirankari Mission Houston celebrated Mother's Day on May 10th, offering gratitude to mothers through poems and songs. On 24th of May, Sant Nirankari Mission Melbourne branch hosted Victorian Legislative Assembly President Mr. Bruce Atkinson, Mr. Darren Pierce and the Indian Sun editor Siddharth Suresh at their Rowville congregation to thank them for their ongoing support towards the mission in Victoria. Mr. Atkinson said the teachings of His Holiness will travel across the community like ripples and influence everyone. The S&M branch of Brisbane organized the 11th blood donation camp at Australian Red Cross Blood Service at Chermside, Brisbane, Queensland on the 30th of May 2015. Exhibiting the message of His Holiness that blood should flow in veins and not in drains. और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। संजू क्यों मुंह लटका कर बैठा है? क्या बताऊं यार, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्रॉब्लम्स तो सत्संग तो जाता है ना? अरे बताया ना, इतनी टेंशन है यार, कोई सलूशन नजर ही नहीं आ रहा। अरे सत्संग जाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात बता, तू वॉइस डिवाइन सुनता है कि नहीं? अरे अब कहां सुन पाता हूं यार, पहले सुना करता था लेकिन काफी समय से नहीं सुन पाया। यही तो, अगर वॉइस डिवाइन रेगुलरली सुनता तो तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता। जैसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, वैसे हर एपिसोड जरूरी होता है। ऐसे हर एपिसोड जरूरी होता है। एक सबके मन का अंधेरा दूर करे। जैसे मॉर्निंग में नहाना जरूरी होता है और कॉलेज भी आना जरूरी होता है, ऐसे हर एपिसोड जरूरी होता है। हर एपिसोड जरूरी है भाई। खेल लो। हे हार्दिक, व्हाट्स सो अमेजिंग ऑन द नेट? हे मैं kids.nirankari.org पर स्टोरीज पढ़ रहा हूँ। kids.nirankari.org वो क्या है? बताओ, इन्हें kids.nirankari.org के बारे में ही नहीं पता। अरे kids.nirankari.org पर बाबा जी ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। जैसे पोएट्रीज, स्टोरीज, क्विज, गेम्स और बाबा जी ने ब्लेसिंग्स भी दी हैं। मतलब कि हम बच्चों के लिए स्पिरिचुअल ड्रीमलैंड। ये!
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको ले चलते हैं SNCF डायरी की ओर और देखते हैं SNCF द्वारा मई के महीने में की गई सामाजिक कार्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट। रक्तदान शिविरों की लड़ी में मई के महीने में भी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से अनेकों स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया, जिनमें से प्रमुख स्थान रहे जम्मू, मेरठ, पुणे और वारसा। यहां पर सैकड़ों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने ब्लड डोनेट कर सद्गुरु बाबा जी की शिक्षाओं को चरितार्थ किया। पिछले दिनों नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए SNCF की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई, जिनमें खाद्य पदार्थ, कपड़े, दवाइयाँ आदि सम्मिलित थे। इसके अलावा निरंकारी सेवादारों ने हर प्रकार से भूकंप पीड़ितों की सहायता में भरपूर योगदान दिया। मई के महीने में ही चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली के मालविया नगर के शमशान भूमि में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स के अलावा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और निरंकारी साध संगत के श्रद्धालु भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। 23 मई को निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रोहिणी सत्संग भवन पर एक समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को म्यूजिक, कुकिंग, ड्राइंग, हेयर ड्रेसिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट और पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा जहां बच्चों को आध्यात्मिकता का संदेश दिया गया, वहीं जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व को भी समझाया गया। तो ये था SNCF डायरी का ब्यौरा और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फाउंटेन ऑफ वननेस, द लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पधारे निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 7 and 7:30 PM। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं कुछ और खास खबरों के साथ और अब समय है हमारे अगले सेक्शन एक खास मुलाकात का और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मसूरी के सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर श्री के बेरी से। तो आइए देखते हैं खास मुलाकात। नमस्कार धनंकार, आज न्यूज़ डिवाइन के सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में है मसूरी के वयोवृद्ध बुजुर्ग श्री के बेरी साहब। उनके अनुभव मसूरी में जो सदगुरु बाबा जी की दिव्य शिक्षाएं रही है, उनका अपना अनुभव वो आप सभी के साथ साझा करेंगे। हम सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी के फाउंडर मेंबर हैं और बहुत देर से बाबा जी के हमेशा वाक पर दर्शन हमारे होते रहे हैं। एक बात हमने महसूस की है कि जब हम इधर से गुजरते हैं पास से और उनका ध्यान करते हैं तो एक स्पिरिचुअल ऑरा हमको महसूस होता है, डिफरेंट और रास्ते से कि वो यहाँ पर बैठे हैं। और एक और बात है कि उनके आने से एक मसूरी की रौनक ही अलग हो जाती है। और अब माता जी तो उनको भी दर्शन किया करते थे और जी इनके आने से हम तो जो हमेशा चाहते, मैं तो उनको लिखकर देने वाला था कि भाई 3 महीने की स्टे ज़रूर रखें साल भर में, ताकि मसूरी की जीड़ी भी बढ़े और सब लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन इनके आने से जो ऑरा बढ़ता है, स्पिरिचुअल ऑरा, ये एक लिविंग गॉड की तरह है। आप अगर महसूस करें उस रास्ते से जहाँ रास्ते पर गुजरो तो आपको अलग सा लगेगा और जब पास से गुजरते हैं तब भी अलग सा लगता है। और बाकी सारे गढ़वाल में जाकर के भी देखा, हर जगह पर निरंकारी का जब बोर्ड लगा हुआ देखते हैं सब चीज़ें, तो बड़े मन खुश होता है कि कुछ ना कुछ काम जो है बहुत सारा हो रहा है एजुकेशन में, बाकी चीज़ों में। और अब समय है अन्य खबरों से रूबरू होने का। निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग की ओर से मई के महीने में भी अनेकों स्थानों पर बाल समागम, इंग्लिश समागम आयोजित किए गए। इनमें दिल्ली के अलावा मुख्य स्थान रहे मुंबई, जौनपुर, ओडिशा में भुवनेश्वर, राजस्थान में जयपुर और बीकानेर और इसके अलावा कानपुर। इन समागमों में भक्ति के अनेकों पहलुओं को उजागर किया गया। महिला समागम में बहनों ने जहां बढ़ चढ़ कर उत्साह दिखाया, वहीं बाल समागमों में बच्चों ने गीत, विचार, कविता, स्किट आदि के माध्यम से सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। निरंकारी मिशन के द्वारा मई के महीने में देश के विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई और इस प्रदर्शनी के द्वारा मिशन के इतिहास, दर्शन व शिक्षाओं को हर आमो खास तक पहुंचाया गया। पिछले 84 वर्षों से निरंकारी मिशन इस सच्चाई को फैलाने का प्रयास कर रहा है। कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया,
निरंकारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी द्वारा भी प्रचार का एक साधन नया रूप अपनाया गया है और कई वर्षों से हम खुले बाजारों में समागमों के अलावा निरंकारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाते हैं, लेकिन इस वर्ष सतगुरु बाबा जी की कृपा से हमको 18 जगह पर 5 जनवरी से लेकर के 24 मई तक अलग अलग प्रदेशों के अंदर प्रदर्शनी लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसका आरंभ हमने राजस्थान भीलवाड़ा से किया था, इसके बाद ये प्रदर्शनी यहाँ से नासिक गुजरात में पार्डी में चली गई, फिर जमशेदपुर में चली गई, वहाँ से ये प्रदर्शनी फिर इलाहाबाद में चली गई, वहाँ से ये प्रदर्शनी फिर लखनऊ में चली गई, फिर ये प्रदर्शनी वहाँ से जलगांव में चली गई, इसके बाद ये प्रदर्शनी अहमदनगर में चली गई, उसके बाद ये प्रदर्शनी कोल्हापुर में चली गई। रन फॉर वननेस में कम से कम 500 भाई बहन थे जिन्होंने 7 किलोमीटर तक पूरे बाजार के अंदर लोगों को प्रदर्शनी देखने का निमंत्रण दिया। वहाँ से ये प्रदर्शनी निमाणी, उसके बाद इस प्रदर्शनी ने फिर बम्बई के अंदर प्रवेश किया। बम्बई में हमने 3 स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई। पहली प्रदर्शनी हमने गोरेगांव में लगाई, उसके बाद ये प्रदर्शनी हमने विले पार्ले के अंदर लगाई। वहाँ की मेयर साहिबा उद्घाटन करने आई थी। अगले दिन हमारे जो कपिल शर्मा जी कॉमेडियन का कार्य करते हैं टीवी पर, उनके माता जी वहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर पधारे और उन्होंने भी पूरी प्रदर्शनी देखी और मिशन की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर हमने ग्रैंड रोड पर लगाई और इसी के साथ ये प्रदर्शनी 18 जगह पर संपन्न हुई 5 जनवरी से लेकर 24 मई। खबरों की इन कड़ियों को जोड़ते हुए अब हम न्यूज डिवाइन के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों और नौजवानों के लिए SNCF की ओर से निरंकारी वोकेशनल सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। मई महीने की खबरों में बस इतना ही। अगले महीने की रोचक और ज्ञानवर्धक खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत समता को। नमस्कार, धन निरंकार।